शाहरुख खान की वो पांच मोस्ट अवेटेड फिल्में जिसका फैंस को ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार है। शाहरुख खान की कुछ ऐसी फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है जो अगर कन्फर्म हुई तो थिएटर्स में तहलका मचा सकती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान की उन्हीं पांच फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिसका इंतजार सारे मुल्कों के फैंस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं चक दे इंडिया 2 से। जी हाँ, शाहरुख खान की साल 2007 में आई फिल्म चक दे इंडिया ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, लेकिन इस फिल्म का सिक्वल कभी नहीं आया। फैन पेजों पर गॉसिप है कि किंग खान शिमित अमीन के साथ चक दे इंडिया के पार्ट 2 के लिए बात कर रहे हैं। पैंथर। शाहरुख खान क्योंकि किंग ऑफ रोमांस के अब किंग ऑफ एक्शन बन चुके हैं, तो इसी क्रम में उनके डायरेक्टर लोकेश कनगराज से हाथ मिलाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक वो पैंथर नाम की एक फिल्म करेंगे जो साल 2025 में रिलीज होगी। पठान और जवान का सिक्वल। सिक्वल फिल्मों की बात करें तो शाहरुख खान की जवान और पठान ऐसे मोड़ पर खत्म हुई है कि उनके सिक्वल की पूरी पॉसिबिलिटी है। खबर है कि साल 2025 में जवान का और साल 2026 में किंग खान पठान का पार्ट 2 लेकर आ सकते हैं। इजहार। संजय लीला बंसाली के साथ मिलकर शाहरुख खान के इजहार मूवी पर काम करने की चर्चाएं भी गर्म है। बता दें कि शाहरुख खान ने एक लंबे वक्त से बंसाली के साथ काम नहीं किया है, जो कि बॉलीवुड के सबसे नामचीन डायरेक्टर्स में से गिने जाते हैं। सैल्यूट। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों में महेश मिथवाई के साथ मिलकर बनाई जा सकने वाली फिल्म सैल्यूट का भी नाम शामिल है। हालांकि इस फिल्म के बारे में भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।